दोस्तों यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं तो अब आपको यहाँ पे सावधान हो जाने की आवश्यकता है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे वाहन करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। आप लोगों के यहाँ दोस्तों यहाँ पर छापेमारी करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो इससे कैसे आप लोगों को बचना है, क्यों ऐसा होगा आपके साथ में, यानी कि इनकम टैक्स की रेट क्यों पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों देखिए अधिकांश लोग यहाँ पे जो एपीएस संचालक हैं वो अपना सेविंग अकाउंट यूज करते हैं अपने लेन देन के लिए, मतलब अपने सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें हमारा पैन कार्ड लगा हुआ है, ठीक। तो पैन कार्ड लगा होने की वजह से जो कस्टम विभाग है उसकी निगाह आपके अकाउंट पे कंटिन्यू बनी हुई है, आप कितने का यहाँ पे लेन देन करते हैं वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड है, उनको पता चल जाता है, ठीक है। उसमें दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जितना हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करने के बाद हमें कमीशन उसका बहुत कम मिल पाता है, ये बात हमें पता है, ठीक, कि हमको 1,000 रुपए यहाँ पे लगभग 10 रुपए या 2 रुपए ऐसे कुछ मिल पाता है अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज ना ले तो। लेकिन चूंकि हम लोग डिपॉजिट अपना जो करते हैं सेटलमेंट वो अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं, तो यहाँ पे कस्टम विभाग को लगता तो यही है कि आप पैसे अपने खाते से लेन देन करते हैं, उसको तो ये बात पता नहीं है कि आपको कमीशन बहुत कम मिल पाता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको जो यहाँ पे अपना इनकम टैक्स पे करना होता है वो दोस्तों आपके अपने इनकम यानी कि आपके अपने कमीशन पे करना होता है, ठीक है। आप कितने का लेन देन करते हैं इस पे आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना होता है, बट इनकम टैक्स विभाग को तो ये बात पता नहीं है कि ये आपका फायदा है या मतलब आपका लेन देन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहां पर कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो दोस्तों दिक्कत आपको बहुत ज्यादा होगी। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं इसका जो समाधान है वो आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग पहले स्टार्टिंग में अपना सेविंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं एपीएस का बिजनेस, तो आप स्टार्टिंग में लगभग 5 से 6 महीने तक इसका यूज कर सकते हैं जब तक आपकी शॉप बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं चल पाती है, ठीक। उसके बाद जैसे आपकी शॉप चलना शुरू हो जाती है आप लोग अपना जो सेविंग अकाउंट है इसको चेंज कर दीजिए, एक आप लोग करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए जिसको यहाँ पर जो आपका स्पाइस मनी है जैसे पेनियर बाई हो गया, इन्होंने अपना यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए यानी अपने रिटेलर के लिए यहाँ पर करंट अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो आप लोग उसका यूज चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कोई एक्स्ट्रा किसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा के अपना लेन देन वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई आपके बचने की, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप लोगों को फाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है अपने ट्रांजेक्शन की, ठीक है, क्योंकि जब आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी तो ऐसे में आपको अपना फाइल दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप अपना फाइल दिखाएंगे उनको तो ये बात स्पष्ट करने में आप सक्षम होंगे कि ये हमारा लेन देन का जो अमाउंट है वो है, बाकी इसमें कमीशन परसेंटेज हमारा बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग अपने एक फाइल को मेंटेन करते हैं, अगर वह फाइल आपकी 6 महीना या 1 साल के बाद फुल हो जाती है, आप लोग दूसरा फाइल बनाते हैं, तो ऐसे में उस फाइल को जो आपका ओल्ड वाला फाइल है उसको कम से कम आप लोग 3 साल तक बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपके यहाँ इनकम टैक्स की जरूरत पड़ेगी तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। एक बात ये हो गई, दो बात आपकी हो गई, तीसरी बात दोस्तों यहां पर ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप तिमाही या एनुअल आईटीआर को अवश्य फिल कीजिए। आपको लगता है कि हमारा जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है बहुत कम है, हम 5,000, 10,000 या 15,000, 20,000 रुपए कमाते ही हैं, इसी में हम आईटीआर क्या फाइल करें, तब दोस्तों ऐसे में आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जब आपके यहाँ इनकम टैक्स विभाग की रेट पड़ेगी, ठीक है, तब ऐसे में निश्चित ही आपको काफी बड़ा जुर्माना यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आईटीआर आप पे करते हैं तिमाही या एनुअल, तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास यानी कस्टम विभाग के पास आपका समस्त रिकॉर्ड मौजूद रहेगा कि आप कितना का लेन देन करते हैं, उसमें से आपका कमीशन कितना बनता है, यानी कि आपकी एक्चुअल जो इनकम है वो कितना है, वो चीज कस्टम विभाग के पास मौजूद रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनुअल देखा जाए तो आपको दोस्तों यहां पर 200 से 300 या 400 रुपए तक के लगभग आपको यहां पे आईटीआर
फाइन पे करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग ITR भी फाइल नहीं करते हैं, अपना रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करते हैं, आप लोग अपने सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, तो उसमें निश्चित ही आपको TDS तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, भल भी आपको यहाँ पे आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट ना पड़े, इसके बावजूद भी आपको दोस्तों यहाँ पर एनुअल TDS जो कटता है आपके सेविंग अकाउंट का, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं पे करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, आपको एक दिन काफी लंबा अमाउंट पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। जितना आपने कमाया नहीं है अपने APS बिजनेस से, उससे ज्यादा आपका TDS अमाउंट भी बन जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने आपको जो यहां पर रास्ता बताया उसको अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, नहीं तो किसी भी वक्त आपके यहां इनकम टैक्स विभाग की रेट पड़ जाएगी, तो आपको भी काफी ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग काम करेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आए दिन आपको स्पाइस मनी या जो आपका पेनियर बाई एप्लीकेशंस हैं, ये सब इनमें आपको इस चीज का सावधान किया जाता है कि आप लोग जब करंट अकाउंट खोल लेंगे तो आपको TDS फ्री अकाउंट मिलेगा, आपको किसी तरीके का कोई यहाँ पे TDS पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उसको अनवाइंड कर देते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, बिल्कुल भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो साबित होगा ही। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी।